हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कर रहे थे ग्रुप 13, और लास्ट लेक्चर में ग्रुप 13 एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स थे उनके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करा हमने। मेनली NaBH4 और LiLH4 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव रख रहे थे उनके बारे में। अब हम लोग आते हैं इस ग्रुप में जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है कुछ एलिमेंट्स के, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मेंबर है बोरोन बी, एटॉमिक नंबर 5। अब बोल रहा है कि बोरोन जो है वह फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में है, और उसमें से भी जो बोरिक एसिड का सॉल्ट होता है उस फॉर्म में बोरोन पाया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं बोरोन के, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पहले भी हम लोग लिखें, एक बार थोड़ा फिर से याद कर लेते हैं। बोरेक्स, जिसको कि हम लोग टिनकल भी बोलते हैं, फार्मूला Na2B4O7 10H2। उसके बाद कर्नाइट, रैसोराइट भी पढ़ाता है या बोला जाता है इसको, Na2B4O7 4H2, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है क्रिस्टलाइजेशन का उसमें केवल अंतर है। फिर एक तो डायरेक्ट बोरिक एसिड है जिसको हमने पीछे भी एक्सप्लेन करा है, BOH3 या H3BO3, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद क्या पढ़े थे, कोलेमेनाइट फॉर्मूला Ca2B6O11 5H2O, और एक बोरासाइट 2Mg3P8O15MgCl2। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोरिक एसिड बोरेक्स एंड समथिंग लाइक कोलेमेनाइट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या बोले कि बोरोन नेचुरली फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में है, मिनरल्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं बोरेन के, इसको याद रखोगे एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है सब, कि बोरेक्स क्या फार्मूला क्या है या फिर किसका मिनरल है, तो आएगा तो जो तीन टिक्की है इसी में से कोई आना चाहिए, बोरेक्स, बोरिक एसिड और कोलेमेनाइट। कर्नाइट जो रैसोराइट या फिर बोरासाइट, ये सभी उतने कॉमन नहीं है, और कर्नाइट को याद करना चाहो तो अलग से कुछ नहीं करना है, बस वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टलाइजेशन का है उसका संख्या थोड़ा कम कर देना है, वहाँ 10 था यहाँ 4 होगा, बाकी सब कुछ वही है। अब है कि ठीक है बोरोन नेचुरली फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, लेकिन बोरोन के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो यूजफुल हैं, जिनको यूज करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, तो वैसे कंपाउंड्स को बनाने के लिए बोरोन हम लोग को फ्री स्टेट में चाहिए। नेचुरली तो या देख रहे हो मिनरल्स के रूप में है, तो इन मिनरल्स से कैसे बोरोन को अलग किया जाए, बोरोन ही नहीं किसी भी एलिमेंट को उसके मिनरल्स से अलग करने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। उसी में एक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन फ्रॉम मिनरल्स, बोरोन के मिनरल्स से उसको अलग करना कैसे पॉसिबल है। तो उसमें से दो बोल रहा है कि बोरेक्स और एक हम लोग कोलेमेनाइट से अलग करते हैं जनरली, फॉर्मूला दोनों का भी लिखे थे Na2B4O7 10H2O, और कोलेमेनाइट में कैल्शियम का है Ca2B6O11 5H2O, वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन का जनरली हर एक
मिनरल में दिखता है। तो इनसे ही बोरोन को अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करना मतलब कि निचोड़ करके वहाँ से अलग करना उसको। तो कैसे होता है, प्रोसेस पे हम लोग आते हैं। इसमें से बोल रहा है कि दो स्टेप्स हैं। स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन में बोरिक हाइड्राइड बनाया जाता है या एनहाइड्राइड। स्टेप वन में प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड अभी हम लोग यहाँ B2O3 को बोलने वाले हैं। और ये किससे बनाएंगे, फ्रॉम बोरेक्स। तो बोरेक्स जो कि नेचुरल मिनरल है बोरोन का, उससे बोरोन को अलग करना है। दो स्टेप्स होंगे, स्टेप वन में उस बोरेक्स को बदलेंगे हम लोग बोरिक एनहाइड्राइड में। कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए बोल रहा है कि जैसे जो मिनरल है बोरेक्स, तो इसको क्या करना है कि पाउडर फॉर्म में बदल लेना है, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म। यदि बड़े बड़े टुकड़ा में है तो इसको पहले क्रश करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेंगे, फिर उसको ग्राइंड करेंगे, हैं पाउडर के फॉर्म में बदलेंगे। तो कोई बड़ा सा मिनरल है उसके छोटे छोटे फॉर्म में लाने का प्रोसेस कहलाता है क्रशिंग। उस स्मॉल पीसेस को पाउडर में लाना, पल्वराइजेशन। 12 में पढ़ोगे आप इसके बारे में। चूँकि अब ये अर्थ क्रस्ट में है तो हो सकता है कि बड़ा बड़ा चट्टान के रूप में हो, वहाँ से काट के निकालोगे, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ोगे, क्रशिंग। जो क्रशर मशीन होता है बड़ा बड़ा पत्थर को छोटा छोटा गिट्टी में तोड़ता है, अब वो छोटा छोटा पीस बन गया तो उसी से आप डायरेक्ट नहीं ना कर पाओगे एक्सट्रैक्शन, पाउडर फॉर्म में बदलना पड़ता है, सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो उस छोटे छोटे पीसेस को पाउडर फॉर्म में बदलना कहलाता है पल्वराइजेशन। तो बोल रहा है कि बोरेक्स का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइनली पाउडर फॉर्म लेंगे, मतलब उसको पाउडर के रूप में जो है बदलेंगे। उसके बाद या जो पाउडर फॉर्म है इसमें हम लोग मिलाएंगे आइदर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर मिलाएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इतना मिलाने के बाद इसको बॉयल करेंगे। बॉइल्ड क्या किए, बोरेक्स जो था पाउडर में बदले, फाइनली पाउडर एकदम पूरा तरह से ग्राइंड कर देना, चूर देना है। इसमें या तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके क्या किए, इसको हम लोग सेपरेट किए, इसको मैंने हाई बॉयल किए, हाई टेम्परेचर पे हीट किए। तो जैसे ही इसको बॉयल करोगे ना, तो बॉयल करने के बाद यहाँ से बोरिक एसिड बनेगा, और यह बोरिक एसिड सॉल्यूशन में स्पारिंगली सॉल्युबल होगा, थोड़ा बहुत घुलेगा, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा। इसके लिए रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, तो Na2B4O7 दिस इज बोरेक्स। जैसे ही यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलेगा तो एसिड है तो इसमें पानी तो रहेगा ही, 5H2O, तो ये कंबाइन करके बन जाएंगे 2NaCl प्लस 4H3BO3। उसी प्रकार से यदि H2SO4 है तो Na2B4O7 प्लस H2SO4 5H2O, तो यहाँ से बनेगा Na2SO4 प्लस वही 4H3BO3। बोरिक एसिड, अभी बोरिक एनहाइड्राइड नहीं बनाया हम लोगों को, बोरिक एनहाइड्राइड बनाना है ना, B2O3 बनाना है, लेकिन यहाँ जो अभी बना है वह H3BO3 मतलब कि बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। कैसे हुआ, तो या तो हम लोग उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाए या सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और मिला करके उसको हीट किए, बॉयल किए, तो रिएक्शन हुआ और यहाँ से बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब जो यह बोरिक एसिड यहाँ बना है ये क्या लिखे हैं, स्पारिंगली सॉल्युबल है, मतलब इस सॉल्यूशन में उस मीडियम में बहुत ज़्यादा नहीं घुलता है, सेपरेट हो जाएगा, इसको छान करके जो है आप वहाँ से अलग कर सकते हो। और जब इस बोरिक एसिड को आप स्ट्रांगली हीट करोगे H3BO3 दो मोल लेकर के स्ट्रांगली हीट करोगे इसको, तो हीट करने के बाद यहाँ से बनता है बोरिक एनहाइड्राइड, स्ट्रांग हीटिंग, जब तक कि यह टूटे ना, स्ट्रांग हीटिंग। समझे कैसे एनहाइड्राइड बना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोरेक्स का फाइनली पाउडर फॉर्म लिया गया,
उसमें मिलाया गया कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर भी रहेगा उसमें, सॉल्यूशन बनाया गया और एक सॉल्यूशन बनने के बाद उसको हीट किया गया बॉयल करने तक, जब तक कि वह बॉयल ना हो जाए। तो जब उस सॉल्यूशन को हीट करोगे बॉयल करने तक, तो देखोगे कि उसमें दो चीज़ मिलेगा, एक तो सॉल्यूशन टाइप में रहेगा और कुछ छोटा छोटा कम सॉल्युबल चीज़ है जो धीरे धीरे बैठने लगेगा वहाँ। छान लेंगे उसको, तो जो चीज़ नीचे बैठ रहा था वो बोरिक एसिड था, स्पारिंगली सॉल्युबल है। अब उसको वहाँ से अलग करेंगे और फिर उसको हाई टेम्परेचर पर हीट कर देंगे हम लोग, तो वह डिकम्पोज करेगा बोरिक एसिड और डिकम्पोज करके बनेगा क्या, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वहाँ से हटेंगे, बाहर निकलेंगे। कोलेमेनाइट से भी हम लोग कर सकते हैं, अभी तो बोरिक्स का इस्तेमाल करके हमने बोरिक एनहाइड्राइड बनाया ना, कोलेमेनाइट का इस्तेमाल करके भी जो है हम लोग बोरिक एनहाइड्राइड बना सकते हैं, चूँकि लिखे हैं कि एक्सट्रैक्शन जो बोरोन का होता है दोनों से किया जाता है, बोरिक्स से भी और कोलेमेनाइट से भी। बोरिक्स का तो कहानी देख लिए, दोनों में वही है कि फर्स्ट स्टेप में बोरिक एनहाइड्राइड बनाना होगा। कोलेमेनाइट से कैसे बनेगा, तो इसके लिए बोल रहा है जो कोलेमेनाइट है Ca2B6O11 कोलेमेनाइट, इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, 11H2O4SO2। और जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इसको हीट करोगे तो कैल्शियम बाईसल्फाइड बनता है, 2CaHSO3 2 प्लस 6H3BO3। यह अभी बताया स्पारिंगली सॉल्यूबल है या बोलें कि ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल है, भूलेगा नहीं। और ई वाला चीज जो है वह हाईली सॉल्यूबल होता है। मैंने क्या करोगे, कोलेमेनाइट मिनरल है, फिर से वही पाउडर फॉर्म लेना है, इतना ज़्यादा वाटर लिए हो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड घुला हुआ है, सबको मिलाओगे स्ट्रांगली हीट करोगे, तो हीट करने के बाद ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो देखोगे कि उसमें सॉल्यूशन फॉर्म है और कुछ चीज़ इनसॉल्यूबल है जो या तो बीच में है या नीचे बैठ गया है प्रेसिपिटेट के रूप में। छानेंगे तो छानने के बाद ये जो इनसॉल्यूबल चीज़ है वो छाना जाएगा और ये जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में रह जाएगा, और उसके बाद तो फिर ठीक है, एक बार H3BO3 बन गया तो फिर क्या कहना, इसको हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो बन जाएगा B2O3 प्लस 3H2O। अच्छा, तो यहाँ तक का बात समझ में आई। एक्सट्रैक्शन बोरोन का आप किसी से भी करो, आइदर बॉक्साइट से करो या कोलेमेनाइट से करो, फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड। व्हेन वी प्रिपेयर बोरिक एनहाइड्राइड फ्रॉम बॉक्साइट, इट विल बी प्रिपेयर्ड बाई एडिंग कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फाइनली पाउडर्ड फॉर्म ऑफ बोरिक्स एंड देन हीटेड टू बॉइलिंग। बोरिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड व्हेन बोरिक एसिड इज स्ट्रांगली हीटेड इट विल डिकम्पोज टू गिव बोरिक एनहाइड्राइड। बट इफ यू वॉन्ट्स टू प्रिपेयर बोरिक एसिड फ्रॉम कोलेमेनाइट और बोरिक एनहाइड्राइड फ्रॉम कोलेमेनाइट, देन द रिएक्शन इज डिफरेंट। हेयर कोलेमेनाइट इज हीटेड विथ या स्ट्रांगली हीटेड विथ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, द प्रोडक्ट्स आर हाईली सॉल्यूबल कैल्शियम बाईसल्फाइड एंड इनसॉल्यूबल बोरिक एसिड, सो द बोरिक एसिड गेट सेपरेट आउट विच इज फिल्टर्ड एंड फाइनली हीटेड टू डिकम्पोजिशन एंड हेयर ऑल्सो वी गेट दिस बोरिक एनहाइड्राइड। समझ गए, तो एक स्टेप का काम हुआ, बोरिक एनहाइड्राइड हमने बना लिया दोनों से, कोलेमेनाइट से भी और बॉक्साइट से भी। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यह जो बना है बोरिक एनहाइड्राइड, इसमें से अब तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पहुंच गए हैं जगह पे, अब बोरोन के साथ ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को केवल हटाना है, और ऑक्सीजन को हटाने का प्रोसेस कहने का मतलब कि रिडक्शन, तो अब फाइनली जो है रिडक्शन होगा बोरिक एनहाइड्राइड का। तो स्टेप टू की बात करेंगे हम लोग, रिडक्शन ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड का रिडक्शन होगा। तो बोरिक एनहाइड्राइड जैसे B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड, अब रिडक्शन है तो रिडक्शन किसके साथ होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए,
और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट वे सब्सटेंस हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन है, या रिड्यूसिंग एजेंट जो है वे मेटल्स भी होते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से याद रखोगे कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ हाउ मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एनी स्पीसीज which loses electron is said to be get oxidized, and any species which gains electron is said to be reduced. So if a chemical species loses electron, certainly it will get oxidized, and this lost electron by the species is certainly gained by some other chemical species. So that chemical species which accept the electron lost by this first species is said to be reduced. So the first species which loses electron is itself get oxidized but reduces other chemical species. So it will be a reducing agent. कि metals के property हम लोग जानते हैं, metals जो होते हैं जैसे sodium है इसके valence shell में एक electron है, magnesium है इसके valence shell में दो electron है, एल्यूमिनियम है इसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं आसानी से क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है और साथ ही साथ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब यदि सोडियम यह अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बदल जाएगा Na प्लस में, मैग्नीशियम अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बदल जाएगा Mg2 प्लस में, और एल्यूमिनियम यदि अपना तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बदल जाएगा एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस में। तो ठीक है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज किए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो हेयर ऑल मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किए भाई, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो तो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद तो ऑक्सीडाइज हो गए, लेकिन वह जो इलेक्ट्रॉन निकला था बाहर वो तो जाकर के दूसरे को रिड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब ये दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये सभी के सभी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। सो ऑल दिस थ्री मेटल्स सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ जो रिडक्शन होगा बोरिक एनहाइड्राइड का वह कोई मेटल के द्वारा ही होगा। जैसे इसको यदि हम लोग हीट करें सोडियम के साथ तो बोरोन प्लस सोडियम ऑक्साइड, इसी बोरिक एनहाइड्राइड को यदि हीट करें पोटासियम के साथ तो बोरोन प्लस पोटासियम ऑक्साइड, इसी को हीट करें यदि हम लोग मैग्नीशियम के साथ तो बोरोन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ से जो बोरोन मिलेगा इन तीनों केस में ये एमॉर्फस नेचर के होंगे। एक किस नेचर के होंगे? एमॉर्फस नेचर के। एमॉर्फस बोरोन जो तकरीबन 95-98% प्योरिटी के साथ मिलेगा, लेकिन एमॉर्फस नेचर का होगा, ब्लैक कलर का। तो हमें नहीं लगा कि बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट है बोरोन का एक्सट्रैक्शन में, इसके मिनरल से चाहे बॉक्साइट हो कॉलेमेनाइट हो। सबसे पहले बोरिक एसिड बना, बोरिक एसिड को हीट करा हमने तो बोरिक एनहाइड्राइड बना। फर्स्ट स्टेप में इतना काम हुआ था, और फाइनली सेकेंड स्टेप में तो कुछ बचा ही नहीं है कि बोरिक एनहाइड्राइड को मेटल के साथ हमने रिड्यूस कर दिया, काम खत्म हो गया यहाँ से। हाँ, उसमें था कि जब हम लोग अलग अलग मिनरल ले रहे थे तो रिएक्शन अलग था। बॉक्साइड के केस में कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था, और जब हमने कोलेमेनाइट लिया तो सल्फर डाइऑक्साइड का एक सॉल्यूशन के साथ उसको हीट करना पड़ रहा था। इसके बाद यहाँ आसान है, मेटल कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम किए समझा ही दिए हम। इसको डिटेल में जो है थोड़ा और आगे हम लोग करेंगे, लेकिन अभी एक्सट्रैक्शन में बन इन दो स्टेप्स को याद रखना। हो सकता है सब्जेक्टिव टाइप का पूछ दे, ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ दे, कुछ भी पूछा जा सकता है कि द रिडक्शन ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड टू बोरोन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ दे देगा ऑप्शन। तो ध्यान रखोगे मेटल जनरली इसमें होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। लेकिन हाँ, इस तरह से जो बोरोन मिलेगा वह बोल रहा है कि एमॉर्फस नेचर का बोरोन होगा, क्रिस्टलाइन नहीं होगा,
प्योरिटी ठीक ठाक है, 95-98% बोरोन ही मिलेगा, बाकी 2-4-5% तो अभी भी इम्प्योरिटी रहेंगे ही, कुछ ना कुछ ब्लैक कलर का होगा। थोड़ा कि यदि यहाँ से क्रिस्टलाइन बोरोन बनाना हो, बोरोन कैसा बनाना हो, क्रिस्टलाइन, जब हमने सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम के साथ हीट करा तो एमॉर्फस मिल रहा था। क्रिस्टलाइन यदि बनाना हो तो उसके लिए बोल रहा है कि जो बोरिक एनहाइड्राइड है इसको एल्यूमिनियम के साथ हीट करोगे तो यहाँ से जो बोरोन मिलेगा वह क्रिस्टलाइन मिलेगा। दिस इज क्रिस्टलाइन बोरोन। तो एक बात ये भी याद रखना, एल्यूमिनियम के साथ हीट करने पे क्रिस्टलाइन बोरोन मिल रहा है, उसके अलावे जो पीछे मेटल्स थे सोडियम पोटासियम वगैरह उसके साथ एमॉर्फस मिल रहा था, इतना तो याद रखना ही होगा। नेचर थोड़ा अलग है। अब इसमें से थोड़ा बहुत जो इम्प्योरिटी बच जाएगा, जैसे क्रिस्टलाइन ही आप बना रहे हो तो 100% प्योर बोरोन तो नहीं मिलेगा ना, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रह ही जाएगा, और थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी जो भी बचा उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर NaOH के साथ हीट करेंगे। तो एल्यूमिनियम का यदि कोई रहेगा तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, है हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम को यदि रिएक्शन करवाओगे NaOH के साथ तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है ना, Na2AlO2 करके कुछ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट टाइप का बनता है। तो एल्यूमिनियम का थोड़ा बहुत कुछ इम्प्योरिटी बचा हुआ है, तो जब उसको NaOH के सॉल्यूशन के साथ मिला के हीट करोगे तो बाकी बचा हुआ इम्प्योरिटी NaOH से कंबाइन करके अलग, और यहाँ से ऑलमोस्ट प्योर बोरोन जो है सो मिल जाएगा। तो इस क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस वाली बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब इसके अतिरिक्त बोल रहा है कि जो बोरोन का एक्सट्रैक्शन है वह हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से भी कर सकते हैं। बोरोन का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से भी, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के मोल्टेन फॉर्म या फिर उसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस को इलेक्ट्रोड्स पे लिबरेट करवाना है। द डिपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल स्पीसीज ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट्स मोल्टेन फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, नमक हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन फॉर्म ले लो या उसको वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बना दो और उसके बाद उसे करंट पास करवाओ। तो करंट पास करवाओगे तो दो टर्मिनल होंगे उसमें, टर्मिनल यदि लगाओगे सॉल्यूशन में कैथोड एनोड होंगे, कैथोड पे जान रहे हम लोग नेगेटिव चार्ज होगा, कैटायन जाएगा वहाँ, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज एनायन जाएगा वहाँ। तो जब उसे करंट पास करवाओगे तो क्लोरीन जो उसमें एनायन होता है वो जा करके जमा होगा एनोड पर, और एनए प्लस जो कैटायन हो जा करके जमा होता है कैथोड पर। कि मान लो यह एक बर्तन है, इस बर्तन में सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक, किसका है सॉल्यूशन, NaCl का है, इसमें दो रॉड लगे हुए हैं, दोनों इधर कनेक्टेड हैं, एक मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव वाला कहलाएगा कैथोड, पॉजिटिव वाला कहलाएगा एनोड। अब इसके अंदर है Na प्लस और Cl माइनस, तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा करेंट आना शुरू होगा, Na प्लस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे जाएगा, Cl माइनस यहाँ, मतलब इस Cl माइनस क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, हाफ Cl2 क्लोरीन गैस में बदल जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम प्लस गेन करके Na बन जाता है। सोडियम जो कि सॉलिड है तो जा करके यहाँ जमा हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन, डिपोजिट हो गया जा करके जमा हो गया, और क्लोरीन यहाँ गैस है तो जमा नहीं होगा ना, यहाँ से लिबरेट होगा बाहर निकलेगा, तो इसको जनरली हम लोग बोल सकते हैं लिबरेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, कि किसी भी सब्सटेंस के मोल्टेन फॉर्म या सॉल्यूशन फॉर्म से करंट पास करवा करके उसके केटायन और एनायन को कैथोड और एनोड पे जाके जमा करवाना या वहाँ से लिबरेट करवाना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो इस मेथड से भी बोरोन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब इस मेथड से बोरोन का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा उसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि बोरोन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए फ्यूज्ड मिक्सचर कंटेनिंग बोरिक एनहाइड्राइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड। समझोगे, तीन चीज है, बोरिक
एनहाइड्राइड है, मतलब B2O3 प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब MgO प्लस मैग्नीशियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है मतलब MgF2। ये तीनों का मिक्सचर है और मिक्सचर जो है वह फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड मिक्सचर है। टेम्परेचर जो इलेक्ट्रोलाइसिस का होगा वह 1100 डिग्री सेल्सियस होगा। कार्बन क्रूसिबल में होगा जिसमें एनोड होगा कार्बन और आयरन रॉड होगा कैथोड, मतलब एनोड और कैथोड। ये पूरा पिघला दिए तो फिर से अभी जो समझाए इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, एक जो है एक कार्बन का होगा, कार्बन का मतलब ग्रेफाइट वगैरह हो सकता है, जो काम करेगा किसका, एनोड का, मतलब इस पर होगा प्लस चार्ज। एक रॉड और लगा होगा जो बोल रहा है कि आयरन का होगा और यह काम करेगा कैथोड का, कैथोड का मतलब इस पर माइनस चार्ज होगा। यहाँ दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं वायर से और इसी में ही पूरा मास भरा हुआ है। क्या क्या? B2O3 भरा हुआ है, MgO भरा हुआ है और MgF2 भरा हुआ है। तीनों का मिक्सचर जो कि फ्यूज्ड फॉर्म में है उससे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, जिसमें एनोड है कार्बन, ग्रेफाइट, कैथोड है आयरन, 1100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे पहले टूटेगा, 2MgO, तो बन जाएगा 2Mg+O2। अब चूंकि Mg यहाँ केटायन है, एनायन है, तो जब ही MgO टूटेगा करेंट पास करवाने के बाद तो ये एनायन जाएगा एनोड पे और ये जो मैग्नीशियम है वो जाएगा कैथोड पे, यहाँ ये जाकर के कैथोड पे जमा हो जाएगा और ये जाकर के कहाँ निकलेगा, एनोड पे। अब जो मैग्नीशियम यहाँ से निकला वही मैग्नीशियम जाकर के रिड्यूस करेगा बोरिक एनहाइड्राइड को, मतलब अब पहले वाला रिएक्शन हो जाएगा 3Mg, तो यहाँ से 2Br+3MgO। इसके पहले जो रिएक्शन किए उसमें वो डायरेक्ट मेटल का इस्तेमाल कर रहे थे ना, यहाँ वैसा नहीं किए, मिक्सचर लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस किए, तो करंट पास करवाने के बाद सबसे पहले MgO टूटा, Mg और O में, Mg चला गया कैथोड पे, वो चला गया एनोड पे और वही Mg जो कैथोड पे जाके जमा हुआ, तो चूंकि इसी बर्तन में जो है सो बोरिक एनहाइड्राइड है ना, तो यहाँ जमा हुआ Mg क्या करेगा कि इसको रिड्यूस कर देगा बोरोन में, Mg यहाँ से बाहर, यही एक्सट्रैक्शन हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। अब यहाँ से जो बोरोन मिलेगा तो वही बात की टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर पे जब हीट करोगे तो इसमें जो भी वोलाटाइल मटेरियल है, वोलाटाइल मटेरियल या वोलाटाइल इम्प्योरिटी जो वेपर में बदल सकते हैं, वे सारे इम्प्योरिटी वेपर में बदल जाएंगे, तो यहाँ से प्योर बोरोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक लास्ट बोल रहा है कि क्रिस्टलाइन बोरोन यदि हाई प्योरिटी का चाहिए, बहुत ज़्यादा प्योर क्रिस्टलाइन बोरोन, तो उसको क्या किया जाता है कि बोरोन ट्राइब्रोमाइड का रिडक्शन से बनवाया जाता है, BBr3 का हाइड्रोजनेशन किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टेन का वायर होता है, मतलब समझ लो ना जैसे फिलामेंट होता है ना बल्ब में, टंगस्टेन का फिलामेंट होता है, वैसे ही कोई अपरेटस बना है टंगस्टेन का, उसमें लगा हुआ है वायर वगैरह, उसी में डाल दिया गया BBr3, उससे हाइड्रोजन गैस को पास करवाया गया इस हाई टेम्परेचर पे, तो जाकर के इसका रिडक्शन होता है और यहाँ से प्योर बोरोन 2B+6HBr, प्योरेस्ट फॉर्म क्रिस्टलाइन बोरोन, बोरेन का या बोरोन का ऐसा। तो समझ गए इस बोरोन का एक्सट्रैक्शन दो तरीके से, एक अभी हम लोग देखे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से और इसके पहले इनडायरेक्टली जो था ओर से बन रहा था, इसके अपने मिनरल से बन रहा था। तो इतना बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बोरोन में हमने देख लिया कि नेचुरली बोरोन एग्जिस्ट करता है कौन कौन से मिनरल के फॉर्म में, उसमें से किस मिनरल से इसको अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्शन दो स्टेप था ना, पहला स्टेप में हम लोग बोरिक एसिड से बोरिक एनहाइड्राइड बना रहे थे, दूसरा स्टेप में उसका मेटल से रिडक्शन कर रहे थे, एक्सट्रैक्शन भी लगभग उसी जैसा रहा,
इसमें एक याद रखोगे कि बोरिक बोरोन को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कौन और कैथोड कौन, तो कैथोड आयरन का रॉड, एनोड कार्बन का रॉड मतलब ग्रेफाइट वगैरह। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से जाके पूछ सकता है। और दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म जो चाहिए प्योरेस्ट फॉर्म का, उसके लिए है कि बोरोन ट्राइब्रोमाइड को आप हाइड्रोजन के साथ हीस्ट करो, टंगस्टेन वायर के संपर्क में रख के 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से लगभग प्योर बोरोन मिलेगा, HBr वहाँ से गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा। तो बोरोन का तो हम लोग देख लिए, प्रिपरेशन इसका, प्रिपरेशन कहने का मतलब एक्सट्रैक्शन, मिनरल से अलग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में जो है बोरोन के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल जो है उसको डील करेंगे। धन्यवाद।